Hello dear students, welcome to my YouTube channel Target with Jitendra. Jai Hind to all students. Students, जैसे कि हम लोग NCERT के क्वेश्चन लगा रहे थे, पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर, और रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू किया था, और ये NCERT के क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस हमने आपको बता दिया था. स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन इसका है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड. यहाँ पे बैंड है, सॉरी स्टूडेंट्स, बैंड, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं जिसमें वो मार्च करें. यानी दो है, एक तो आर्मी कंटेनमेंट यानी कि 616 मेंबर्स का है. ये आर्मी कंटेनमेंट है, इसमें 616 मेंबर्स हैं. इसमें कितने मेंबर्स हैं स्टूडेंट? 616 मेंबर्स हैं. और एक दूसरा क्या है, आर्मी बैंड है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स? यानी कि इसमें आर्मी बैंड है, इसमें कितने हैं? इसमें आपके 32 मेंबर्स हैं. तो अब क्या है कि कहा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी कि कॉलम यानी कि जिसमें ये लोग मार्च कर सकते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा इन दोनों का? HCF होगा. जब भी कभी ऐसे दो नंबर्स होते हैं और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर पूछ लिया गया तो उसका हमें क्या निकालना होता है स्टूडेंट्स? HCF निकालना होता है. तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32, यानी इन दोनों नंबर का निकालना होगा. तो वी हैव किसी से बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम निकाल लेंगे. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है स्टूडेंट्स? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर आर इक्वल्स टू, यानी आर क्या होना चाहिए, आर यानी कि इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी यानी कि डिवाइजर. ये होता है. अब 616 32 दिया गया है, तो 616 32 का आप क्या करिए, HCF निकाल के यहां पर आप इसको आप पहले डिवाइड करके चेक कर लीजिए. तो ये क्या होगा, जब 32 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा स्टूडेंट्स? तो 632 से करेंगे तो 32 यानी कि 2 टाइम जाएगा तो 64 हो जाएगा, तो 1 टाइम से जाएगा. तो यहां पे 32 हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 11 में से 2 गया 9 गया स्टूडेंट्स, और यहां पे 5 में से 3 गया आपका 2 हो जाएगा, 29 हो गया. 6 आप यहां पे ले लेंगे, फिर कितनी बार में जाएगा, 3 9s are 27 यानी कि समथिंग जाएगा, और 3 हां तो ये 9 टाइम्स जाएगा. 9 टाइम्स आप इसको ले जाएंगे, 9 2s are 18 हो गया, और 9 3s are 27 हो गया. तो जब इसको आप लेके गए यहां पे 9 2s are 18 और 9 3s are 27 और 128 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 1 कैरी भी आया था. तो 16 में से 8 गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया, 8 हो गया, और यहां पे क्या हो गया, 880 हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 8 बच रहा है, यहां पे क्या बच रहा है, 8 बच रहा है. तो अब आप क्या करेंगे, सेम कंडीशन इसमें आप रखेंगे 616 और उसका निकालना है. तो 616 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 616 इक्वल टू आपका हो जाएगा 32 इंटू कितना, 19. 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8 आ गया. तो जब हमने कहा फर्स्ट स्टेप में यानी रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो क्या करना है आपको, तो फिर क्या करना है आपको, इसका और इसका यानी कि जो यहाँ का डिवाइजर होता है और जो यहाँ का रिमाइंडर होता है इसका फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. तो वी अप्लाई दोबारा से हम अप्लाई करते हैं, आपको पहले भी बताया चुका है वी अप्लाई यूक्लिड्स वही सारी चीजें. तो इसको आप लिख लीजिएगा, वी अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू क्या आ जाएगा, 4, और प्लस यहाँ पे अब क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, क्योंकि 8 4 32 हो ही गया, रिमाइंडर जीरो बच गया. तो हमने कहा जब रिमाइंडर जीरो बच जाएगा जिस स्टेप में, उस स्टेप का स्टूडेंट्स यानी कि जो डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है, HCF. हेंस HCF ऑफ कितना, 616 एंड किसका, 32. तो ये HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. इसलिए क्या हो जाएगा कि द नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस 8 होगा. ये हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ लगाते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा
to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. यानी कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करिए और ये दिखाइए कि किसी यानी कि m इंटीजर के लिए क्या मतलब कोई यानी कि पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में हो सकता है. तो यस हो सकता है, इसको हम लोग करते हैं. तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी चूंकि इसी पर पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. और ये होता क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो रिमाइंडर होता है वो जीरो से बड़ा या इक्वल होता है और क्या होता है डिवाइजर से छोटा होता है, कंडीशन होती है. फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑन पुटिंग, चूंकि हमें 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में दिखाना है, तो ऑन पुटिंग b equals to 3, यानी जब हम क्या करेंगे b equals to 3 पुट करेंगे, तो b equals to 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a equals to 3q plus r, ये हो जाएगा. और यहां पे ये क्या हो जाएगा, जब 3q plus r हो गया तो स्टूडेंट्स ये जो और r क्या होगा यहां पे, अब r यानी कि is greater than or equal to 0 but less than 3, क्योंकि क्या हो गया यहां पे जो डिवाइजर हो गया 3 आ गया, तो 3 से छोटा होगा. इसका मतलब r क्या हो जाएगा स्टूडेंट, r या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, ये इसमें से कुछ हो सकता है. Now put r equals to 0, अगर हम r equals to क्या करते हैं 0 पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर, इसको अगर हम फर्स्ट कहते हैं तो इसमें अगर हम क्या करते हैं कि r equal to अगर हम 0 पुट करते हैं, यानी कि आप इसी को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसमें अगर आप पुट करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा a equals to आपका हो जाएगा 0 पुट कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स 3q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा. अब क्या करना है, स्क्वायर आपको करना है क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है वहां पे, तो क्या करना है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर के लिए बात कही गई है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसका जब स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर. अब 9q स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 9q स्क्वायर को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 3 into 3 3 into 3q स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3m, यानी इसको हमने क्या मान लिया m मान लिया, where आप यहां पे लिख सकते हैं कि where m equals to 3q square आपने ले लिया, यानी 3m के फॉर्म में आपने इसको लिख दिया. इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप r equal to 1 पुट करते हो, क्या लेते हो r equals to 1, तो r equals to 1 के लिए आप क्या लिख सकते हो इसको, ये आपका क्या हो जाएगा square equals to, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म आपका हो जाएगा 3q plus 1 का स्क्वायर, 3q plus 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी a plus b का होल स्क्वायर हो गया. तो a plus b का होल स्क्वायर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे a स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप क्या लिखोगे a स्क्वायर plus b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 1 है, यानी 2ab लिखना है, तो 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 6 1 6q, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6q हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स. इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो यहां पे इन दोनों में 3 कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में आप 3 कॉमन कर लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें 3q बचेगा यहां पे, और इसमें क्या बचेगा 2q बचेगा, 3q स्क्वायर यहां पे बचेगा, और इसमें क्या बचेगा इसमें 2q बचेगा, तो ये हो गया आपका प्लस 2q, और ये क्या हो गया प्लस 1 हो गया. तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये आपका लिख कौन से फॉर्म में लिख गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 3 into, अब इसको आप m मान लो, तो क्या हो गया 3m plus, और ये क्या हो गया 1 हो गया, where जहां पर आपने m equals to क्या ले लिया students, m equal to आपने ले लिया 3q square plus 2q, तो ये किस form में आपने लिख दिया 3m plus 1 के form में इसको आपने लिख दिया, जिस तरह से यहां पे इसको आपने 3m के form में लिखा था. फिर क्या है, and r equals to, and put r equals to क्या, r equals to जब आप 2 put कर रहे हो क्योंकि r equal to 0 1 2 लेना है आपको,
तो आर इक्वल टू जब टू पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, क्योंकि आपने स्क्वायर की बात की है तो इसे स्क्वायर करना पड़ रहा है, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3 cube + 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका जब करेंगे आप तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसका आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर मतलब 9 cube² हो गया, और प्लस जब आप 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 12 cube² हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 cube हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 12 cube प्लस क्या हो जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो गया। अब प्लस b स्क्वायर आपको लिखना है तो b क्या है यहां पे स्टूडेंट्स 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे आप इसको, तो इसको करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 9 cube² प्लस 12 cube प्लस 3 प्लस 1, इसको हमने 4 को क्या किया 3 + 1 में ब्रेक कर दिया, तो 3 + 1 में जब ब्रेक कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं वहां पे कैसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 3, इस तीनों पार्ट में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे 3 cube² हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 cube हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 है तो ये 1 हो गया, और प्लस 1 वहां पे अकेले बाहर है तो ये 1 हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं इसको 3 और इस पूरे को आप यम लिख सकते हैं और प्लस 1, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कहेंगे हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म इज either of the form 3m + 1 for some integer m, यानी इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि आपने करके दिखा दिया है तो ये आपका हो गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 or 9m + 8, यानी सेम जैसे अभी स्क्वायर के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए किया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्यूब करने के लिए कह रहा है कि कोई ऐसा इस फॉर्म में आप दिखाइए किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या है स्टूडेंट्स, क्यूब, Let Q be any positive integer. मान लिया Q कोई पॉजिटिव इंटीजर है. Then it is of the form. तो ये किस फॉर्म में? 3 cube + 1 or 3 cube + 2, इस फॉर्म में ये होगा। तो क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ईच ऑफ द क्यूब Prove that the cube of each किसका, जिसको हम कर रहे हैं, तो each of these can be rewritten किसमें, In the form किसमें, 9m, 9m + 1 or 9m + 8, यानी इस फॉर्म में हम इसको लिखकर दिखा सकते हैं। Now अब 3q का, क्योंकि हमने इस फॉर्म में हमें करना था, यानी q को हमने इंटीजर माना हुआ है स्टूडेंट्स, तो 3q का क्यूब करेंगे
तो 3q का क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 3 27 क्यूब क्यूब। तो 27 क्यूब क्यूब को स्टूडेंट्स आप कैसे लिख सकते हैं, 9 × 3 3 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको आपने क्या लिख दिया, 9m, इसको आपने m कह दिया, जहां पे आप कह सकते हैं कि वेयर m इक्वल्स टू, वेयर m इक्वल्स टू कितना, 3q³, इस फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। तो स्टूडेंट्स जब दूसरा आप इसको करेंगे 3q+1 का क्यूब, तो 3q+1 का जब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a³ मतलब 3q का क्यूब, और फिर b³ मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस आप करेंगे 3a²b, तो प्लस 3a² a मतलब 3q का स्क्वायर, प्लस b यानी 3a² × b, तो b क्या है, 1 है, ये 1 हो जाएगा, फिर क्या है, प्लस 3ab² क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3ab², तो 3a मतलब क्या है, 3q, और b² × b² मतलब 1 का स्क्वायर, ये आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 27q³ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 1³ है यहाँ पे, तो 1³ आपका 1 ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 q² 27q² हो जाएगा स्टूडेंट्स, 27q² हो गया, 1 जा यानी 27q² ही होगा, प्लस यहाँ जब करेंगे 3 3 9 9q × 1 वही हो जाएगा, 9q हो जाएगा। तो अब करना क्या है, इसको किस फॉर्म में रखना है, अब इसको आप लिख सकते हो इस तरह से कि 27q1 को आप वहां पीछे भेज दो और इन सारे टर्म्स को आप आगे ले आओ, तो आप देख रहे हैं 9 किसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो 9 को हमने बाहर रख लिया। अब ना इससे रिलेटेड जो भी नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3q³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3q² हो जाएगा, और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो प्लस क्यू हो गया, और ये नंबर जो 1 है 1 को हमने पीछे रख दिया, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये यानी कि इस पूरे को हमने यम मान लिया, तो ये आपको क्या दिख रहा है कि 9m+1 यानी 9m+1 दिख रहा है, जहां पे आप लिख सकते हैं वेयर यम इक्वल्स टू 3q³ + 3q² + q, ये यानी कि यम इक्वल्स टू लिखा हुआ है। इसी तरह से एंड 3q+2 का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन यहां पर भी, 3q का क्यूब, क्योंकि a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब करना है, b क्यूब मतलब 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका प्लस b क्यूब, और प्लस 3a²b, तो 3 × a² ये मतलब 3q है, तो 3q² हो गया, × b मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, फिर प्लस 3ab² स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3ab², तो 3ab² के लिए 3 × a मतलब क्या है, 3q है, और b क्या है स्टूडेंट्स, b 2 है, तो b² तो b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला लिखा बताया गया ऊपर, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 27q³ हो गया, क्या हो गया 27q³, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 8 हो गया, क्या हो गया प्लस 8 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 q² 3 27q² हो जाएगा, और इंटू 2, तो 2 करेंगे तो ये 54 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 27 यानी कि जब आप करेंगे तो 27 × 2 क्या हो जाएगा 54q² हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो गया 3 3 9 और ये 2 2 4 9 4 36 हो गया, कितना स्टूडेंट्स हो गया 36q हो गया, तो ये 36q हो गया। तो अब इसको आप देख पा रहे हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको यानी कि 9 इसमें भी कॉमन, 9 इसमें भी कॉमन, 9 इसमें भी कॉमन, 8 को हम पीछे छोड़ देंगे, तो जब ऐसा लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया 9 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया 3q³ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 6q² हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4q बच जाएगा, तो 9 कॉमन हो गया, प्लस 8 पीछे लिख देंगे। अब इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, तो ये किस फॉर्म में हो गया, 9m+8 के फॉर्म में हो गया स्टूडेंट्स, वेयर यम इक्वल्स टू क्या हो गया 3q³ हो गया, प्लस 6q² हो गया, और प्लस 4q हो गया, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे हेंस यानी कि क्या है, इस फॉर्म में यानी कि 9m+9m+1 9m+8 के फॉर्म में यानी कि आप किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को आप लिख सकते हैं क्यूब करके, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो स्टूडेंट्स यानी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है।
आप आयश अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस लगाइए एक्सरसाइज 1.1 के, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उस क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, उस क्वेश्चन का मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए अच्छे से, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय नारायण।